सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़। तो बटाला तो खबर सामने आ रही कि सरकारां GST दी जानी कि गुड सर्विस टैक्स के जरिए अपने खजाने नूं भरदे हन अते बाद विच उही पैसा राज दे विभाग लई खर्चिया जांदा है। लेकिन बटाला दे अंदर हर रोज़ शाम नूं बसां राहीं दुकानदारां दा लखां दा समान बिना किसी बिल तो बिना GST अदा किते पहुँच रहा है, जिस कारण सरकार दे खजाने नूं चूना लग रहा है। GST विभाग कुंभकरण दी नींद सुत्ता पिया। जदों साडी टीम ने देर शाम बटाला दे बस अड्डे ते जाके यात्री मारी देखिया कि निजी बसा राही लखां रुपयां दा समान बटाला दे दुकानदार उतार रहा सी अते इसका बिल इसके कोल नहीं सी। जदों भी इस बाबत निजी बसा इंचार्ज नाल गलबात करके पुछया, उन्हां दा कहना है कि जेकर बस कंडक्टर समान लैके आउंदा तां उह बिल बिना समान बस दे विच लोड नहीं करवाउंदा, पर जेकर समान दा मालिक नाल है तां असीं जिम्मेदारी नाल उसदा, क्योंकि इसदे केवल टिकट ही दिखाउणी हुंदी आ। उत्थे ही जदों समान लैण पहुँचे दुकानदार नाल गलबात कीती गई तां उन्हां दे कोल कोई ठोस जवाब नहीं सी, क्योंकि कहिंदा नज़र आया जे कि इस दे बार बिल नहीं लैके आए भुल गए हाँ। कोई कह रहा सी कि वह रेहड़ी लगा के समान बेचता है, पर समान का बिल किसी के कोल भी नहीं सी। साफ सिद्ध हुंदा है कि बटाला दे विच बस राही लखां रुपयां का समान लैके GST चोरी वड्डे लैवल ते कीती जा रही है अते विभाग कुंभकरण दी नींद सुत्ता पिया। उत्थे ही जदों GST विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया नाल इस बारे गलबात की गई तो उन्होंने कहना है कि मीडिया जरिए इस बारे उन्होंने पता चलिया है, अपनी मोबाइल की टीम सुचेत किया जाएगा अते उहदे उत्ते बंदी कार्रवाई की जाएगी। बाकी उन्हां दा कहना है कि ईमानदारी नाल टैक्स अदा करके अपना समान लैके आउण, बाकी कानूनी शिकंजे तो बचिया जा सके। देखते रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़। तो बटाला तो पत्रकार अखिल मल्होत्रा दे नाल दीपक कुमार ते लक्की भाटिया की खास रिपोर्ट। मिलते हैं अगली खबर के नाल। 100-100 रुपए पिछे तुसीं माल लै आउंदे बिल किथे जे बिल ते किसे दा नहीं वेख्या। बिल बुल लिया कोई होना को कितो आ गया माल बस से आ गया बिल होना को पता नहीं कुछ मिले जो है बिल बुल कोई नहीं है बिना बिल तो चलेगा काम है कौन लै गया मालक लै गया मैंने लाया ये 400 पर हमारा हाँ। कितने का माल है हाँ? जो बिल पर होगा हमारे क्या हम आइडिया होगा लोगा जितना कैसे 40,000 देता है फिर 1.5 लाख भी होता है 50,000 भी होता है 1.5 लाख भी होता है 2 लाख भी होता है माल लुधियाना से होता है अमृतसर से टैक्स जो उनका वो चढ़ाता पता नहीं कि 5,000 चढ़ाता है 2,000 चढ़ा चढ़ा टिक वो बिल एक ही साल बारता है हमारा कुंड है। हाँ GST देता है जे आज नहीं मेरे साथ वो एक बार आज नहीं लाया साथ आज नहीं मेरे पास GST दिया पहले दिया मैंने चेक सामान देखो आपके पास मेरे को बड़ा टाइम हो गया 4-5 बार डेली GST डेली मिलता है GST डेली हाँ आज मेरे को मिला मैंने बोला मैं बाई हैंड से माल लेना आज क्यों क्यों बोलूँगा मैंने बाई हैंड से आज लेना है। अच्छा कितने का माल लेके आया देखो 1.5 लाख होगा 2 लाख होगा हाँ बस टैक्स कितना 5% भी होगा जितना कटता होगा उनका पता होगा कितना कट आगे भी GST दिखाना पड़ता है। चलिए बसों के माल जरूर आता हड्डिया ये नहीं अं कहते हड्डिया बसा च माल नहीं आता माल आता अं टिकट कट्टी होंगी आ जी अं बिन टिकट तो लिया अं बिल लेने पेलो बिल लें फिर अगले को आने लगे अं बिल दें प्याला भा अपना बिल उदा अं समान नहीं लिया किसी का तो जे कोई सवारी नाल आँदी आ अं टिकट कट के दें साडा ये रोल कोई नहीं गा अं बिल जे कंडक्टर ने लिया माल वो को उस बिल लै सकते जी पर नाल सवारियां आईया ने टोटल जिन्नी भी आईया ने जिड़ी जिड़ी चीज़ तुम पुछी आदा जवाब नालों नाल दिता गया उन्हें जिन्ने उतरे ने थले बिल नहीं विखाया पर जोड़ा कनैक्टर ने लिया होगा समान कल ने वह बिल होएगा साढ़े को साढ़े को बिल साढ़े को समान ही नहीं आए सारे बंदे आए आ बिल ना हो टिकट कट्टी जाना जी भाजी
अं टिकट कट्टी है ना, साड़ी टिकट महसूस कर सकते भी साड़ी टिकट होगी है, गल तो टिकट ही वेखनी है ना। तुम अं नहीं बिल तो बिना समान लिया, अं बिल तो बिना समान नहीं लिया सकते, पर जोड़ा अं निरात कनैक्टर लिया ना कि जोड़ा माल लै गया उत्ते बैठे ने, तुम बिल उन्होंने को पैदा करो, अं तो टिकट कट के दिती है। देखो साडा जो डिपार्टमेंट है जी एस टी एक्ट के अधीन जी पावर है वक्रिया वक्रिया सैगरीगेट की है, हर ईटीओ स्कोर कोई जिले च पोस्टिड है, कोई मोबाइल ग्रुप पोस्टिड है, और सारे ही अपनी ड्यूटी जी ढंग न करते पे है। तुसी जे तुहानू कोई ऐसी लगता कि बसा च माल आया आ रहा जां किस तरह ओरी मोबाइल विंग वाले चैकिंग समय समय अनुसार करते रहेंगे आ, और जी मूवमेंट ऑफ गुड्स होंगी चैक करते रहेंगे, जो कोई माल इदा का होंगे जबत भी करते हैं। जे तुहानू कोई अजक भी कोई कोई कंप्लेट ऐसी आई है ध्यान के विच तो तुसी सानू साडे नज़र च लिया दो, असी मोबाइल विंग वालों कह के तुहाडा मतलब कि जिहड़ा वो कर देंगे अलर्ट, उन्होंने कर देंगे ताकि वो ज़्यादा मुस्तैदी नाल वो काम कर सके। सर चाहिए ना वैसे इन्होंने लोगों के कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि समय ना तुहाडे लो माल भी जबत किया जाता, कार्रवाई भी की जाती है, नहीं फिर भी लोग बाज नहीं आते। नहीं नहीं महकमा पूरी तरह मुश्तैद है जी, रेवन्यू साडा स्टेट का इनक्रीज हो रहा है और सारे बंदे बहुत ही इमानदारी ना काम करते पे है, और मतलब कि इन्ने मतलब कि सर्दी के मौसम के चैकिंग पूरी करते पे है, कोई गल नहीं। जो कोई ऐसा मामला थोड़े ध्यान चलता तो सू दस दो, उस वे असी जो कोई कि फिर भी कुछ देखने वाली गल होएगी असी उन्होंने अलर्ट कर देंगे। मोबाइल विंग टीम अपना बाकी विंग अपना काम बड़ा मुश्तैदी कर रहा, जो रोड से चैकिंग उन्होंने को ही है, परमिशन मतलब ज्यूरिस्डिक्शन उन्होंने है। बिल्कुल सर जो माल लोग इस तरह लैके आते हैं की अपील करते हो? देखो अपील तो यही है कि हर बंदे ईमानदारी टैक्स जमा कराना चाहिए, जी एस टी भरना चाहिए क्योंकि रेवन्यू के नाल ही सारिया चीज़ा पॉसीबल है। स्टेट का जो रेवन्यू है अगर वधेगा तो फिर ही डिवेलपमेंट के काम हो सकेंगे। सरकार दियाँ साढ़े पंजाब सरकार दियाँ ये हदायत वा कि किसी को भी ऐसा गलत काम ना करन दिता जाए तो असी बारे पूरा सतर्क है गए हैं, और असी जिथे इन्हों अपील करते हैं अपने ग्राहक नूं कि बिल जिहड़ा कोई माल परचेज करते किसी भी दुकान तो और करंटली बिल जरूर लैन ताकि जिहड़ा टैक्स है जिहड़ा उहदी इवेडिंग घट हो सके, और टैक्स जिहड़ा सरकार दे खजाने दे विच जमा हो सके। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।